हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम पोलस्टार की असाइनमेंट नंबर 8 कर रहे हैं। हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करना है, तो शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,800 फॉर 3 ईयर्स एट 12 सही 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,800 रुपए पे 3 सालों के लिए, और ये हमारा 12.5 जो है वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एनुअली जो है वो लग रही है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है हमारे पास 10,800। टाइम क्या है हमारे पास? टाइम है हमारे पास 3 ईयर। रेट क्या है? रेट है हमारे पास 12 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 1 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2%। इतनी परसेंट है हमारी। निकालना क्या है हमें? पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1+R/100 की पावर यहाँ पे N। N क्या होता है? N हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,800 इंटू 1+R कितना है 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 की पावर। टाइम कितना है हमारे पास? 3 ईयर्स। तो यहाँ पे पावर में 3 ईयर गया, तो ये हो गया 10,800 इंटू ये हो गया 25 4 100। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये आ गया 1+1/8 की पावर 3। ये हो गया 10,800। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ये हो गया 8+1/8 की पावर 3। ये हो गया 10,800 इंटू 8+1 इज इक्वल टू 9। ये हो गया 9/8 का क्यूब करेंगे तो 3 बार लिखना होगा 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि क्यूब था, इसलिए हमने 9 8+1 9 9/8 9/8 9/8 को 3 बार लिखा क्योंकि क्यूब था। अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 8 का स्क्वायर हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है 5। तो ये क्या हो जाएगा? 10,800 इंटू 9 9 81 इंटू 9 डिवाइडेड बाय इनका आ जाएगा 512। 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, तो ये हमारे पास हो गया। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,153,77.34। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा अमाउंट जो है वो इतना आ जाएगा, इतने रुपीस, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया? 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 10,800। तो इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 4,577.34 इतना हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आया हमारे पास CA और ये हमारा आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 10,000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमारे पास हमने 10,000 रुपये लिए 1 साल के लिए, 8% पर एनम जो है वो लग रहा है, लेकिन हमें हाफ ईयरली उसे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपये। रेट क्या है? रेट है हमारे पास 8% पर एनम है ये,
एक साल की है, लेकिन हमें ये हाफ ईयरली का पता करना है, मींस कि हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4% आया हमारे पास। और टाइम क्या है, टाइम है हमारे पास 1 ईयर। तो अब हम अमाउंट लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 इंटू 1 + रेट हमारा कितना आया, रेट आया हमारा 4/100 इंटू टाइम कितना है, 1 साल है। 1 साल को अगर हम 6-6 महीने में देखेंगे तो 1 साल में 2 बार 6 महीने आएंगे, तो इसलिए हमारा टाइम हो जाएगा 2 ईयर। फिर हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 6 मंथ्स, क्योंकि 1 साल में 2 बार 6-6 महीने आएंगे, इसलिए हमने 2 बार लिया ये, क्योंकि 2 बार लगेगा हमारा, हर 6-6 महीने बाद जो है वो इंटरेस्ट लगना है। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू, ये कटेगा हमारा यहाँ पे 24, 25 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 + 1/25 का स्क्वायर, ये हो गया 10,000 इंटू 25 को 1 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26/25, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब ये हो गया 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 400, और इसे फिर से 25 पे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 16। तो हमारे पास आया 16 × 26 × 26, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,816 रुपये। तो इतना हमारा कंपाउंड अमाउंट जो है वो आ जाएगा 10,816। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता 10,816 - 10,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता 816 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18,000 फॉर 2.5 ईयर एट 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली। तो हमारे पास जो रेट है वो दिया है 10%, क्योंकि एनुअली है तो 10% रहेगा। टाइम जो है वो हमें दिया है 2.5 ईयर, मतलब कि ये हो गया हमारा 2 × 2 = 4 और ये 5/2 हो गया, इतना हमें टाइम जो है वो दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 18,000। तो यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट होता है हमारा पी इंटू 1 + R/100 इंटू एन। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 18,000 रुपये। 1 + रेट कितना है, रेट है हमारा 10/100। टाइम कितना है 5/2, तो ये हो गया हमारा 18,000 इंटू, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 + 1 हो जाएगा 11/10 की पावर 5/2। इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इस पे हम बाइनोमियल भी लगा सकते हैं। ये एक कंसेप्ट होता है, इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि बाय टू भी लगा हुआ है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम वो यूज करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 18,000 × 1 + ये जो पावर है 5/2, इसको हम अंदर ले आएंगे 5/2 × 1/10। तो इसको ऐसे लिखा, पावर को अंदर लाके मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, ये हम कब कर सकते होते हैं, जब यहाँ पे 1 हो और ये वाला नंबर काफी छोटा हो। तो ये वाला नंबर छोटा है इसलिए हमने इस फॉर्मूले को लगा लिया, 5/2 को लाके इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया हमारा 18,000 × 1 + ये हो गया 5/20, तो ये हो गया 18,000
मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 5, ये हो जाएगा 25 बाय 20, तो ये हो गया 900। तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 225, पीछे दो जीरोस, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो लगा, हमारा जो अमाउंट आया वो आया 22,500 रुपए। और अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होता कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो होता हमारा 22,500 माइनस 18,000, तो ये आ जाता हमारा 4,500 रुपए, इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12.5% पर एनम हाफ ईयरली। हमारे पास टाइम जो है वो 18 महीनों का दिया और रेट जो है वो 12.5% पर एनम है, लेकिन कैलकुलेट जो हो रही है वो ईयर हाफ ईयरली हो रही है। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 4096, टाइम कितना है, टाइम है हमारा 3, क्योंकि 18 महीने हैं, टोटल 18 मंथ्स हैं हमारे पास, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो टाइम हो गया 3। रेट क्या है, रेट है हमारा 12 × 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2, लेकिन ये एनम थी, हमें हाफ ईयरली चाहिए, तो इसलिए हमें इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4%, इतना परसेंट जो है हमारा रेट होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना, 4096 इंटू 1 + r कितना, 25/4 × 100, n कितना, n है हमारे पास 3, ये हो गया 4096 इंटू, ये हो गया हमारे पास 4 × 4 = 16, ये हो गया 16 + 1 = 17, 17/16 की पावर 3। ये एलसीएम लेके सॉल्व किया, 4 × 4 = 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 + 1 करेंगे तो हमारे पास 17 आ गया, तो ये आया 17/3 का क्यूब, ये हो गया 4096 इंटू, इसको 3 बार लिखेंगे 17, 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 16 का जो क्यूब होता है, 16 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो यही आता है, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 17 × 17 × 17, तो वो क्या आ जाएगा, 17 × 17 × 17 इक्वल टू होगा हमारे पास 4913 रुपीज, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा जो कि इसे वापस मिलेगा, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 4913। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्कूटर वाज ब्राउट एट 42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। हमने एक स्कूटर खरीदा 42,000 में, उसकी जो उसका जो रेट है हर साल 8% से कम हो जाता है, हमें ये बताना है कि एक साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा रहा हूं, हमने कोई स्कूटर 42,000 में खरीदा, उसकी जो वैल्यू है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, उसकी जो वैल्यू है वो 8% के रेट से हर साल कम हो जाती है, हमें ये बताना है कि वो चीज एक साल बाद कितने की रह जाएगी। जैसे कि हमने आज कोई चीज 10,000 की खरीदी है, तो कल को अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो वो 10,000 की नहीं बिकती है, 10,000 से थोड़ी कम बिकती है, क्योंकि वो पुरानी हो जाती है, इसके लिए उसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये वही चीज है कि हमने 42,000 में कोई स्कूटर खरीदा, उसका जो रेट है वो हर साल एक साल में 8% कम हो रहा है, हमें बस ये बताना है कि एक साल बाद उसका रेट कितना होगा। तो आज कितना है प्रिंसिपल उसका, आज जो अमाउंट है वो 42,000 है, उसकी कीमत किस रेट से वो कम हो रही है, 8% के रेट से कम हो रही है, और हमें कितने टाइम बाद बतानी है, एक साल बाद बतानी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 इंटू
अब तक यहाँ पे प्लस ले रहे थे, जितने भी फॉर्मूले लगाए वो प्लस ले रहे थे। प्लस इसलिए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला था, कुछ पैसे इंक्रीज होके मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे उस रेट से वो पैसे बढ़ रहे थे। मान लो कि मैंने इतने पैसे दिए थे 4096, बाद में मुझे मिले कितने 4913, तो मेरे पैसे इंक्रीज हुए, इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए हमने प्लस किया था। लेकिन अब मेरे पैसे कम होंगे, अब जो रेट जो है वो स्कूटर का डे बाय डे कम होता चला जाएगा, इसलिए इसको माइनस में रखा है। क्योंकि अब हमें लॉस होना है, पहले हमें प्रॉफिट होना था इसलिए हम प्लस में रख रहे थे, लेकिन अब हमें लॉस होना है इसलिए हमने इसे माइनस में रखा है। तो प्रिंसिपल कितना 42,000 इंटू 1 माइनस आर कितना 8/100, टाइम कितना 1 साल के बाद ही बताना है। तो ये हो जाएगा 42,000 इंटू, ये हो गया 4 2 8, ये आ गया 25, तो ये है 1 - 2/25, ये हो गया 42,000 इंटू, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 25 - 2 करेंगे, ये हो जाएगा 23/25, तो ये हो गया 42,000 इंटू 23/25। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 42,000 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करके और बाद में आंसर को 25 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 38,640 रुपीज। मीन्स उसकी 1 साल बाद जो कीमत है वो इतनी हो जाएगी जो है, बाकी हमें ऑलमोस्ट 3,000 से 4,000 रुपए का नुकसान होगा जब हम उसे बेचने जाएंगे। तो आई होप आपको आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन द मैथमेटिक्स। हमें कहा है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 25 है किसी स्कूल में या किसी क्लास में, टोटल 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से जो 72% बच्चे हैं, 72% जो बच्चे हैं वो मैथ में अच्छे हैं और जो बाकी के बच्चे हैं वो मैथ में अच्छे नहीं हैं। हमें यह बताना है कि मैथ में कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। आप इसके दो तरीके हैं, या तो पहले आप ये निकाल लो कि कितने अच्छे हैं, बाद में निकाल लेना माइनस करके कि कितने अच्छे नहीं हैं, या फिर हम डायरेक्ट यही निकाल लें कि कितने अच्छे नहीं हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 25। मैथमेटिक्स में गुड कितने अच्छे गुड हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 72%। टोटल जो बच्चे हैं जो मैथ में अच्छे हैं वो 72% है। किसी भी क्लास में टोटल 100% होता है, टोटल कोई भी चीज जो होती है वो टोटल तो 100% होती है। जैसे कि आपका रिजल्ट 100% कब आता है, जब आपके 100 में से 100 नंबर आ जाए, लेकिन अगर 100 में से 70 नंबर आए हैं तो आपका रिजल्ट 70% होता है। तो टोटल जो चीज होती है वो 100 होगी। तो टोटल जो बच्चे मीन्स जो 25 बच्चे हैं वो 100% है। तो जो बच्चे गुड नहीं है, नॉट गुड, वो कितने होंगे? वो होंगे 100% - 72%। 100 से माइनस क्यों किया? क्योंकि टोटल तो 100% ही होंगे ना, सारे बच्चों में मिलके कितने परसेंट बनाएंगे? 100% बनाएंगे। इसलिए 100 में से वो बच्चे माइनस कर दिए जो मैथ में अच्छे हैं। कितने अच्छे थे? 72। तो 100 में से जब हम 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28%। तो 28% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में अच्छे नहीं है। अब हमें 28% किसका निकालना है? टोटल बच्चों का 28% निकालना है। टोटल बच्चे हैं कितने? टोटल बच्चे हैं 25। तो 25 का अगर हम 28% निकालते हैं तो हमारे पास आता है 7 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ में अच्छे नहीं है, बाकी जो बच्चे हैं वो बच्चे मैथ में अच्छे होंगे। ये हमने 25 का 28% निकाला तो हमारे पास वो बच्चे आ गए जो मैथ्स में अच्छे नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉप गिवन 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस? एड्रेस मार्क्ड एट 120। एक दुकान है वहां पे हमें 20% का डिस्काउंट मिलता है, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस होगा अगर किसी ड्रेस के ऊपर का जो रेट है वो 120 रुपए लिखा हुआ है, मींस जो कि मार्क्ड प्राइस है, जो ड्रेस के ऊपर लिखा हुआ प्राइस है वो 120 रुपए है, लेकिन वो 20% डिस्काउंट देती है, तो हमें वो चीज कितने में मिलेगी वो हमें पता करना है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है हमारे पास 120 रुपए, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास 20%, तो मींस कि हमें 120 का 20% जो है वो डिस्काउंट मिलने वाला है, तो डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, डिस्काउंट हमें मिलेगा 120 रुपए का 20%, 120 का 20% निकालेंगे इतना हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो 0 से 0, 12 into 2, 24 मीन्स हमें डिस्काउंट कितने रुपए का मिलने वाला है, 24 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब तो मुझे चीज कितने में खरीदी जाए, खरीदनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना था 120 रुपए, डिस्काउंट मुझे मिल गया 24 रुपए का, तो चीज कितने की बची, 96 रुपए की जो चीज होगी वो मुझे पे करने पड़ेंगे, 96 रुपए में मुझे वो ड्रेस मिल जाएगी, तो ड्रेस का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 96 रुपीज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं।